हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, रिम झिम, पार्ट तीन, किरमिच के ज्ञान। बच्चों, हमने पार्ट वन के अंदर किरमिच के ज्ञान के पेज नंबर 11 और 12 पढ़ लिए थे, जिसमें एक दिनेश नाम का लड़का होता है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर बैठा है और उसे एक धमकी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने बगीचे में जाता है और जब इधर उधर ढूंढता है तो उसे एक नई नवेली सी ज्ञान मिल जाती है। वो गर्मियों की छुट्टियों में एक क्लब बना हुआ होता है और उस क्लब के अंदर जब जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि ये जो गेंद है वो किसकी है, जो जिसकी किसी की भी है तो वो पहचान बता दे और मुझसे ये गेंद ले ले, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि वो ईमानदार है और वो ये सोचता है कि हो सकता है ये मेरे किसी दोस्त की होगी और मुझे ये गेंद नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 13 से। जब वो सारे दोस्तों से पूछता है तो देखिए आगे क्या होता है। तभी अनिल बोलता है, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई है तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो ये गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर बढ़ने पर सभी को मित्र बना लेने में बहुत ही चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। तब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 4-5 महीने पड़ी रहे और इस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब जब ये सारे दोस्त उस क्लब में इकट्ठा हुए बच्चों, तो उनमें से अनिल नाम का एक लड़का था, वो बोला, ये गेंद तो मेरी खो गई थी। तो जो दिनेश था, जिसके पास में बॉल थी, उसने पूछा कि तेरी गेंद कब खोई? तो उसने बोला, 4 महीने पहले खोई। तो उसने बोला, 4 महीने पहले की अगर गेंद खोई हुई है तो चलो उसकी निशानी बता। तो लड़के होशियार होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हाँ मेरी बॉल ऐसी थी, मेरी बॉल वैसी थी। तो उन्होंने बोला, चल पहले दिखा दे, फिर मैं बता दूंगा हाँ ये बॉल मेरी है या नहीं है। तो दिनेश समझ गया कि वो अनिल की बॉल नहीं है। फिर सुधीर आया, सुधीर ने भी अपना अधिकार जताते हुए बोला, ये मेरी है, मुझे गेंद दिखाओ, मैं बता दूंगा ये मेरी है या नहीं है। तो दिनेश ने फट से कह दिया कि दिखा कर तो कोई भी कह सकता है कि हाँ ये मेरी है, हाँ ये मेरी है ना। अब देखो, दो बच्चे आ चुके हैं, अनिल आ चुका है और सुधीर आ चुका है। अब बारी थी दिनेश की, और दिनेश कैसा लड़का, तो बहुत ही ज़्यादा होशियार, मतलब सिद्ध करने वाला है ना, मतलब सेल्फिश बॉय था। उसने बोला, फट से बोल दिया, हाँ ये मेरी है, मेरे भाई की शादी थी तब ये गेंद खो गई थी, ऊपर से मेरे दोस्त ने फेंक दी थी, है ना, तो अब ये मेरी होगी। तभी सारे के सारे बच्चे बोले, अनिल भी बोला और सुधीर भी बोला और दिनेश भी बोला जिसके पास बॉल थी, तीनों के तीनों बोले कि तेरी बॉल तो तुमने ही तो बोला था कि ना मेरे पास जो पापा हैं वो इस बार गेंद नहीं दिला रहे हैं, उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला ये तेरी हो ही नहीं सकती, तेरी कब खोई थी? तो उन्होंने बोला शादी में खोई थी। शादी में तो हो भी 5-6 महीने हो गए, तो क्या कोई चीज़ अगर मिट्टी में पड़ी रहेगी तो क्या उसके ऊपर मिट्टी नहीं लगेगी? क्या वो एकदम नई नवेली सी रहेगी? दिनेश समझ गया था। अब कितने दोस्त हो गए, देखो, एक तो हो गया दिनेश जिसके पास बॉल थी, और दो और दोस्त हो गए हैं, अनिल, सुधीर और एक हो गया है दीपक, ठीक है, 3 बच्चे हो गए। पेज नंबर 14 पर आ जाइए बच्चों। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब देखिए यहाँ पर सारे दोस्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, एक लड़का है हरे रंग की ड्रेस पहना हुआ और एक लाइनिंगदार शर्ट पहना हुआ, तो सब बच्चों ने उस लाइनिंगदार वाले शर्ट को बच्चे को घेर रखा है, वो कौन होगा? दीपक, है ना। तो दीपक कह रहा है कि वो मेरी थी, तो सब बच्चों ने बोला जा, तेरी कैसे हो सकती है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। अब देखो दीपक भी यही बात बोल रहा है, गेंद दिखाओगे तो बता दूंगा सही है या गलत है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब जो दीपक था वो बहुत ज़्यादा होशियार था, हमने पढ़ा है ना, उसने क्या करा, दूसरे दोस्तों को भी अपनी तरफ मिला लिया, सुधीर को, अनिल को, कि चल मेरा साथ दे तो गेंद अपने हाथ आ जाएगी।
वह ये जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब दिनेश भी होशियार था, उसने कहा दीपक, अनिल और सुधीर, ये तीनों अगर एक हो गए और मैंने गेंद इनको दे दी तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो अब जो दिनेश है वो क्या सोच रहा है, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। दिनेश ने कहा कि मैं बॉल लेकर आता हूँ, मुझे सबूत मिल गया कि अच्छा बॉल ऐसी थी और सेम बॉल वैसी निकली तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। गेंद आ गई, दीपक उसे देखते ही बोला ये मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसा ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए बोला, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, बॉल को देखे, हाँ सेम टू सेम यही बॉल है, ऐसे रेड कलर का उसको निशान था, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगा। तभी दिनेश और अनिल बोले, है ना, क्या बोले कि सारे की बॉलों को पर ऐसा ही निशान होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब दीपक क्या सोच रहा है, मुझे कैसे न कैसे बॉल लेनी है, क्यों ना मेरे पापा से कहलवा दूँ, वो पापा भी दीपक का साथ देकर झूठ बोल देंगे और बोल देंगे हाँ ये इसकी बॉल है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई को कहलवा सकता हूँ, ये गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा, है ना। अब वो भी होशियार थे सारे बच्चे, उन्होंने भी बोला, अनिल ने भी बोला कि जा मैं भी ये मेरे भाई को बुला लूँगा और मेरा भाई भी कह देगा, है ना। कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर ठप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती है। अब सारे के सारे क्या थे, होशियार थे, कोई बोल रहा पापा को कहलवा दूंगा, कोई कह रहा भैया को कहलवा दूंगा, और दीपक सबसे ज़्यादा होशियार, वो बोला नहीं देखो मैं ठप्पा खिला रहा हूँ, इसको धरती पर मार रहा हूँ, ज़मीन पर मार रहा हूँ तो ऐसी आवाज़ आ रही है मेरी बॉल की। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काटी, क्योंकि अनिल सोच रहा था ना कि मुझे मिल जाए ये बॉल, है ना। तो उसने बोला चल चल बाजार में खूब सारी गेंदें ऐसी ही हैं जिनको मारने पर ऐसी ही आवाज़ आती है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला या तो गेंद मुझे दे दो नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से ही लूँगा। अब क्या हुआ, उसने सोचा अब गेंद तो मेरे हाथ में आ नहीं रही है तो ऐसा करता हूँ मैं इसको फेंक देता हूँ, अगर ये बॉल मेरी नहीं होगी तो मैं किसी दोस्तों को भी नहीं दूंगा। तो जैसे ही वो फेंकने लगा दीपक, तो उसके दोस्तों ने पकड़ लिया और बोला ऐसे कैसे फेंक रहा है तू। फिर दीपक को आ गया गुस्सा, उसने सोचा अब क्या करूँ, तो उसने बोला मुझे मेरी बॉल दे दो तो दे दो, नहीं तो वो झगड़ा करने लग गया और नहीं तो मुझे मेरे पैसे दो गेंद के, वो भी होशियार है। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था, तीनों का ही ये कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब ये तीनों जो दोस्त थे ना वो होशियार थे, उन्होंने सोचा जैसे तैसे करके अगर मेरे पास में बॉल आ गई तो मज़ा आ जाएगा, और सुनील ने सोचा अगर ये नहीं मिली तो मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, है ना। तो तीनों होशियार थे, तो इन्होंने सोचा कि हम एक गुट बना लेते हैं, हम एक दोस्त बना लेते हैं मतलब एक गैंग बना लेते हैं, और उस गैंग से अगर हम उसको दिनेश को बोलेंगे तो दिनेश हमें गेंद दे देगा। दिनेश अब तक चुप था, वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। अब दिनेश ने क्या सोचा कि अगर ये तीनों ने गैंग बना लिया और अगर बॉल चली जाएगी तो खेलेंगे कैसे, तो उन्होंने सोचा चलो ये सारा झगड़ा बंद करो, सब अपने अपने बल्ले लेकर आ जाओ और अपन खेलते हैं। अब सब लोग देखो फिर से दोस्त है ना, छोटे बच्चे हैं और दोस्त होते हैं, एक मिनट में झगड़ा कर लेते हैं और एक मिनट में मान जाते हैं, तो ये सारे के सारे दोस्त फिर से मान गए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी हुई सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब देखो सारे के सारे दोस्त फिर से मान गए, सब खेलने लगे, और खेलते खेलते क्या हुआ, जैसे ही क्रिकेट खेलने लगे वो, और दिनेश बैटिंग कर रहा था, बल्लेबाजी कर रहा था, उसने 2-4 गेंदें ही खेली थी कि गेंद जोर से उछली और उछल कर कहाँ चली गई, सड़क पर। और सड़क पर कौन जा रहा था, एक स्कूटर। और स्कूटर के आगे क्या बनी हुई होती है, सामान रखने की जो टोकरी बनी हुई होती है बच्चों, उसमें वो गेंद जाकर अचानक से गिर गई। और स्कूटर वाला तो अपनी गाड़ी चला रहा था, है ना, उसको पता भी नहीं चला कि मेरी गाड़ी में कोई बॉल आकर गिर गई है।
बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वो ये समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। अब बॉयज़ के साथ में तो डेली ऐसा ही होता है, वो हमेशा खेलते हैं, नई बॉल लेकर आते हैं, कभी कोई चौका मार देता है, कभी कोई सिक्सर मार देता है ना, तो वो क्या करते हैं, बॉल कभी किसी के घर में चली जाती है, तो कभी किसी के छत पर चली जाती है, और कभी कभी सड़क पर खेलते हुए गाड़ियों से भी टकराती हुई इधर उधर निकल जाती है। तो इस बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, सड़क पर जो स्कूटर जा रहा था उस स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली गई। सब एक दूसरे को देखते रहे और जोर जोर से हंसने लगे। तो कैसी लगी बच्चों कहानी, उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और ये डेली हमारे साथ ऐसा होता है, और अक्सर जो हमारे बच्चे हैं छोटे जो लड़के हैं उनके साथ में तो ये अक्सर होता आया होगा, है ना। एक मिनट में वो सारे बच्चे झगड़ते होंगे, कभी किसी बॉल के लिए, तो कभी किसी पेंसिल के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, है ना। और फिर वो मान जाते होंगे और खेलने लग जाते होंगे, और खेलते खेलते उनके साथ में भी ऐसी दुर्घटना कभी घटी होगी कि बॉल कभी कहीं ना कहीं चली जाती होगी। जैसे दिनेश के घर पे भी वो बॉल कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना कोई बच्चा खेल रहा होगा और उसने ज़ोर से मारा होगा तो उसकी छत पर आकर उसके बगीचे में आ गई। उसी तरीके से हमारे घरों पर भी ऐसा होता है, कभी हम किसी के घर में बॉल मार देते हैं तो कभी हमारे घरों में बॉल आ जाती है, है ना। तो ये हमारी रियलिटी है, मतलब वास्तविकता है, जो हमारे साथ होती है वही इनको इन्होंने कहानी में गढ़ दिया है। तो आप बताइए आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। मुझे इस कहानी में बच्चों की जो समझदारी है वो अच्छी लगी कि एक मिनट में वो झगड़ा करते हैं और एक मिनट में दोस्ती भी कर लेते हैं। वो बड़ों की तरह नहीं है कि किसी चीज़ से अगर गुस्सा हो जाए तो फिर अपने मन में एक गांठ बांध लेते हैं, है ना। तो हमें भी कैसा होना चाहिए, बच्चों की तरह ही होना चाहिए। बच्चों के पीछे ना झगड़ा करना चाहिए ना लड़ाई करनी चाहिए, एक मिनट में झगड़ा और एक मिनट में प्यार, ठीक है ना बच्चों। चलिए आप इस कहानी को फिर से उंगली रखकर दो बार पढ़िएगा ताकि आपको इसका उच्चारण करना और रीडिंग करना और पढ़ना अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये कहानी किसने लिखी है, शांता कुमारी जैन।